अम्मी का दस्तरखान, आज बनाएंगे मूली के पराठे। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगी 1 कप मूली कश की भी। इसका पानी निकाल लेंगे, फिर तमाम मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, नमक हसब ज़रूरत और चॉप किया हुआ धनिया हसब ज़रूरत इसमें मिक्स करेंगे और मसाला तैयार करके रख लेंगे। ये देखिए मसाला रेडी हो गया, लेकिन इसका पानी फिर भी निकल आया है, तो इसकी फिक्र की बात नहीं है। बस गुने हुए आटे के 2 दरमियाने साइज के पेड़े लें, एक एक करके इनको बेल लें। अब इस पे हसब ज़रूरत मूली का मसाला लगाएं। और फिर अगली रोटी की इसके ऊपर तेल लगा लें जो हमने बेल के रखी हुई थी, और किनारे अच्छे तरीके से फोल्ड कर लें। तवा हमने गरम कर लिया पराठा तैयार करने के लिए। अब हम पराठे को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे और इसके ऊपर घी इतना लगाएंगे कि ये अच्छे तरीके से क्रिस्पी और फ्राई हो जाए। पहले पराठे को एक साइड से पकने दें, फिर इसके ऊपर ऑयल लगाएं ताकि रोटी अच्छे तरीके से फ्राई हो सके। पराठा नीचे से अच्छे तरीके से पक गया है, अब इसको हम पलटेंगे और इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और अच्छी तरीके से पराठे को बना लेंगे। ऑयल हम इसके ऊपर इतना लगाएंगे कि ये रोटी जो है क्रिस्पी बने। मूली का पराठा तकरीबन रेडी हो चुका है। इसके तमाम किनारे अच्छे तरीके से सेकें ताकि पराठा कहीं से भी कच्चा ना रहे।
मूली का पराठा तैयार हो गया। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इस चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये देखें, गर्मा गर्म मूली का पराठा तैयार है।